चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे सीट नंबर 3 का सेकंड सम, वो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। जैसे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको उनके सारे नोमेंक्लेचर आने चाहिए। जैसे कि एंगल विथ एचपी होगा, एक्चुअल एंगल विथ एचपी, उसको हम लोग बोलेंगे थीटा। एंगल विथ वर्टिकल प्लेन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फाई। एलिवेशन एंगल जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। प्लान एंगल जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे लेट से बीटा। एलिवेशन लेंथ को हम लोग बोलेंगे एलिवेशन लेंथ, प्लान लेंथ को बोलेंगे प्लान लेंथ, और ट्रू लेंथ को बोलेंगे ट्रू लेंथ। जो सम है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें जो डेटा दिया हुआ है, ये लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग, यानी कि उसकी जो ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ हमको दी गई है 75 mm, विच इज़ इंक्लाइंड एट 45 degrees टू एच पी। एच पी का एंगल यानी कि हमको थीटा दिया है यहाँ पे लेट से 45 degrees। उसके बाद हमको दिया है 30 degrees टू वी पी, दैट इज़ 5, दैट इज़ 30 degrees टू वी पी। एंड ए इज़ 50 mm अबव एच पी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी कि पॉइंट ए की हमको पोजिशन दी गई है लेट से, एंड ए इज 15 mm अबव एच पी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो हमको दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बनाना है एक्स वाई लाइन। जैसे आपने एक्स वाई लाइन बनाया, उसके बाद ये आपका बन गया लेट से एक्स वाई लाइन। सबसे पहले जो आपको पॉइंट दिया है ए पॉइंट को आप लोकेट करो। ए पॉइंट को लोकेट करने के लिए 15 mm अबव एच पी, 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। यहाँ से आप क्या करोगे, 15 mm अबव एच पी एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे, और एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्टर ऑफ ए। प्रोजेक्टर ए है 15 mm अबव एच पी, 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हमारा बनेगा 15 mm अबव एच पी बनेगा, ये हमारा बन जाएगा ए डैश। उसके बाद यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी कि ये एक्स वाई लाइन के नीचे रहेगा आपका ए। अब आपको दिया है थीटा इज इक्वल टू 45, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 45 degrees का एंगल लोगे पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से आपको लेना है 45 degrees, यानी कि आपको ट्रू एंगल दिया है, और आपको एक और एंगल भी दिया है, दैट इज अ फाई। फाई आपको दिया है यहाँ पे 30, तो लेट से मैं अभी मार्क करके यहाँ पे रखता हूँ 30 degrees, तो लेट से 30 degrees यहाँ पे मैंने लगा लिया। अब ये जो पर्टिकुलर एंगल्स है वो एंगल्स मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। अब जैसे देखा जाए तो ये ट्रू एंगल्स है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर लाइन्स हम लोग ड्रॉ करेंगे वहाँ पे आपको ट्रू लेंथ दिखेगी, और ट्रू लेंथ हमको दिया गया है 75 mm। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 75 mm की एक आर्क लूँगा। जैसे 75 mm मैंने यहाँ पे लिया, 75 mm यहाँ पे एडेस है, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने मार्क किया बीडेस, ट्रू लेंथ मेरा बनेगा। सिमिलरली जो डाउन साइड है वहाँ पे भी मैं 75 mm लेके मार्क करूँगा बीडेस टीएल। ये मेरा ट्रू लेंथ है, ये लेंथ भी मेरा ट्रू लेंथ है 75, जो हमको एग्जाम में दिया हुआ है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि जैसे ही आप ये बना दोगे तो यहाँ पे आपको एक लोकस मिलेगा। ये एक ऐसी लाइन होगी जिसके ऊपर आपका रहेगा प्लान वाला पॉइंट और प्लान के ट्रू लेंथ वाला पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एक लोकस मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा लेट से एलिवेशन वाला पॉइंट और एलिवेशन की ट्रू लेंथ वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि जैसे भी मान लो आपने यहाँ पे ट्रू लेंथ बनाया, तो ट्रू लेंथ के रिस्पेक्ट आपको प्लान में एक पैरेलल लाइन मिलेगी। तो आप ये समझ सकते हो कि ये प्लान की आपकी साइज होगी, तो ये आपका प्लान का साइज है। वो जैसे प्लान का आपको साइज मिल गया, लेकिन प्लान का आपको यहाँ पे ये पॉइंट है लेट से दिस इज आई कैन से बी पैरेलल, में यहाँ पे मार सकता हूँ। अब आप ए बी पैरेलल लेके, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे एक लोकस है, ये लोकस की लाइन के ऊपर आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट लगेगा, तो ये जो आपका मिल जाएगा दैट इज़ वो आपका एक्चुअल बी, यानी कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ योर प्लान। सिमिलरली जैसे यहाँ पे ये ट्रू लेंथ है, तो उसका जो एक एलिवेशन बनेगा दैट इज़ पैरेलल टू एक्स वाई। तो लेट से मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाई,
उसके बाद ये जो प्लान वाली टू लेंथ है वो टू लेंथ को मैंने एक्सटेंड किया अप टू जो पैरेलल लाइन है वो। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो हमको मिल गया है वही पॉइंट को मैं मार्क करते हुए यहाँ से मैं टर्न करूँगा उतना आर्क लेके। मुझे आर्क लेना है लेट से यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ तक से आर्क लेके मैं ऊपर उसको मार दूँगा। जैसे मान लो यहाँ पे जो पॉइंट हमको मिल जाएगा उसको मैं बोलूँगा मेरा ये एक्चुअल एलिवेशन का पॉइंट है। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि हमको दोनों एलिवेशन और प्लान मिल गए, यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करेंगे लेट से एलिवेशन सॉरी प्लान वाला लाइन, और यहाँ से हम लोग ज्वाइन करेंगे एलिवेशन वाला लाइन। देखा जाए तो एलिवेशन और प्लान एक्स वाई के साथ जो एंगल बनाएंगे इसको हम लोग बोलेंगे लेट से अल्फा। सिमिलरली प्लान एक्स वाई के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम लोग बोलेंगे लेट से बीटा। जो प्लान लेंथ है वो आपको बॉटम में मिल जाएगी, जो एलिवेशन लेंथ है वो आपको टॉप में मिल जाएगी। ओके, तो एलिवेशन लेंथ प्लान लेंथ, सिमिलरली आपको जो टू लेंथ हमने पहले से लगाया था लेकिन टू लेंथ का जो एंगल रहेगा वो एंगल भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लेट से दिस इज इक्वल टू थीटा। जो टू लेंथ एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम लोग बोलेंगे लेट से 45 डिग्री एंड दिस विल गिव यू लेट से थीटा। सिमिलरली जो प्लान में टू लेंथ है उसको जो हम लोग बनाएंगे जो एंगल है दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू लेट से 5। तो दोस्तों दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम नंबर 2 और वो आपका है सीट नंबर 3। तो लेट्स से दिस इज सॉल्यूशन ऑफ सीट 3 एंड प्रॉब्लम 2। दोस्तों ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए आप ये चैनल देखते रहिए।